मौजूदा संसद के आखिरी मानसून सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2024 के आम चुनाव और उससे पहले होने वाले 5 राज्यों के अहम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से बिल सरकार की तरफ से आएंगे, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, किस मुद्दे पर कौन दल किसका साथ निभाएगा, ये सारी बात चुनावी सियासत के लिहाज से बहुत मायने रखने वाली है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मानसून सत्र में मूसलाधार सियासत के आसार हैं। एक तरफ देश के कई हिस्सों में मानसून ने तापमान गिरा रखा है, तो वहीं संसद के अंदर राजनीतिक पारा चढ़ने के पूरे आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश हो रही होगी, तो संसद के अंदर सवालों की बौछार होते नजर आएगी। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार देश में जब मानसून शबाब पर होगा, बिल कानून सवाल जवाब चर्चा विमर्श और हंगामा वॉकआउट का पूरा जोर होगा। के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक इस साल मानसून का सत्र होगा, जिसमें कई बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहा। विपक्ष जेपीसी जैसे तमाम मुद्दों पर हंगामा करने के मूड में है, तो वहीं माना जा रहा है हाल के दिनों में सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी इस सत्र में पेश किया जा सकता है। क्या सरकार यूसीसी पर बिल ला सकती है? क्या दिल्ली विधेयक पर राजनीति गर्माएगी? मानसून सत्र में कौन कौन से बिल पेश होंगे? क्या उपयोगी साबित होगा मानसून सत्र? कहीं हंगामे की बरसात में धूल तो नहीं जाएगा सत्र? विपक्षी एकजुटता बिलों के पास होने पर नजर आएगी। संसद सत्र के हर एक मिनट पर 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। इस साल बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला, जिसमें हंगामे के चलते 14 फरवरी से 12 मार्च तक काम काज ठप रहा, करोड़ों का नुकसान हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून सत्र का वैसा हाल नहीं होगा। 23 दिन तक चलने वाली मानसून सत्र में 32 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। 2024 के आम चुनावों से पहले ये सत्र खासा अहम माना जा रहा है। सरकार ने मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, ताकि सत्र से पहले तालमेल का माहौल बना लिया जाए और सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट नहीं चढ़े। लेकिन विपक्षी तेवरों को देखते हुए इसके आसार कम ही लग रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, अडानी मामला, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की गूंज मानसून सत्र में जोरदार तरीके से सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।